स्वागत है आपका। मैं राजेश चौधरी, राजेश जोन सीएनसी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा चैप्टर है G94 साइकिल है हमारा। G94 हमारा है एंड फेस टर्निंग साइकिल। एंड फेस टर्निंग साइकिल है हमारा। इसमें क्या होता है, जहां के आपका डायर बहुत ज्यादा, डायर बड़ा और छोटा, ज्यादा बड़ा डायर और छोटा डायर है, उसमें फेस ज्यादा करना हो, फेसिंग ज्यादा करना हो, तो उसमें हमारा ये चीज, ये हमारा यूज होता है। इसमें दो तरीके का फॉर्मूला होते हैं, दो तरीके में आपको बताता हूँ। G94XZF एक तो यह होता है, G94XZRF। तो मैं आज ये दोनों फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दोनों फॉर्मूले के बारे में प्रोग्राम बनाएंगे हम आज, ठीक है ना। सबसे पहले हम ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाते हैं हम। ये मान लीजिए हमारा डाया 120 है, ये डाया हमारा 80 है, और ये डाया हमारा कितना है 20। 20 के 40 डाल लेता हूँ, ये डाया हमारा 40 है, ये हमारा 6 mm करना है, यह हमारा 10 mm करना है, और यह हमारा ये भी 10 mm करना है, ठीक है ना। तो यह हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है, जैसे हम X0Y X0.0 Z0.0, जैसे कि हम हर बार ऑफसेट लेते हैं, तो हमारा इमेजिनरी X0Z0 यहाँ पे आ जाता है सेंटर में, ठीक है ना। तो हम एक तो इस ड्राइंग मैंने इस फार्मूले के हिसाब से बनाया है, तो इस फार्मूले के हिसाब से थोड़ा देर में हम बाद में बताएंगे। अगर वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल हम ये वाला चैप्टर, ये वाला फार्मूले के हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं, इस ड्राइंग के मुताबिक इस वाले में थोड़ी देर बाद बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसको हमें रॉ मटेरियल हमारा ऐसा है, इस तरीका का है, इस तरह से हमारा 120 पूरा डाया का है, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कटेगा हमारा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसमें हम डेप्थ ऑफ कट डालेंगे, एक पास में हम डेढ़ एम एम काटेंगे 1.5। तो आइए चलते हैं, हम बनाते हैं। O0094 ये हमने क्या डाला, प्रोग्राम नंबर। जैसे मैंने सभी वीडियो में ऐसे डालता हूँ, तो मैंने इसी तरह से डाला है, फानू के हो चाहे किसी में भी हो, कमेंट हम डालेंगे। एंड फेस टर्निंग साइकिल, ठीक है ना, एंड फेस टर्निंग साइकिल। इसमें आप जो भी आपकी इच्छा, जो कमेंट डाल सकते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से, आपको आपकी इच्छा अनुसार, या फर्स्ट सेटअप डाल सकते हैं, सेकंड सेटअप डाल सकते हैं, या कुछ पार्ट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने डाला है अपना इसके, तो सबसे पहले G0G28U0.0W0.0, ये हमारा क्या है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, होम पोजीशन में चला गया, मशीन कहीं भी खड़ा हो अपना होम पोजीशन में जाएगा। हमने टूल सेलेक्ट कर लिया, टूल नंबर एक, ऑफसेट नंबर एक, कूलेंट भी चला दिया, M03S हम डालते हैं 1500, ठीक है ना, S 1500,
अब हम इसमें कटिंग स्पीड क्या डालेंगे, कटिंग स्पीड कुछ नहीं डालते अभी, कटिंग स्पीड अभी डालेंगे फीड M03S, ये हो गया S1500, ये हमारा स्पिंडल RPM M03 G0X, X में क्या डालेंगे, X में डालेंगे हमारा X120 है तो हम 2 mm पहले ऊपर डालेंगे, X122.0 2 mm ऊपर से काटेंगे, टूल खड़ा करेंगे और Z 0.0 क्यों खड़ा किया हमने ये बताता हूँ मैं आपको। X 120 तो डाई ये है हमारा और Z 0 ये है, तो हमारा तो हम 2 mm ऊपर यहाँ खड़ा करेंगे Z 0 पे, यहाँ पे तो हम ऐसे काटना है, तो X में ज़्यादा खड़ा कर रखा है हमने, X 120 Z 0.0। अब चलते हैं हम G94 साइकिल में, G94 साइकिल में हम क्या करेंगे, हमने माइनर डायर डालना है इसमें, X में माइनर डायर डालना है, सबसे छोटा डायर ये हमने कितना बनाया है, ये 40 का डायर बनाया हमने, ये 40 का डायर हमें, तो 40 डालेंगे यहाँ से कटते हुए है हमारा यहाँ पे आएगा X 40.0। जेड माइनस कहाँ तक डालना है हमें, जेड माइनस डेप्थ आपका कितना डालना है हमने, 1.5 mm, 1.5 mm डालेंगे तो जेड माइनस 1.5, F 0.2 हमने फीट, 0.2 फीट पर रिवॉल्यूशन, 0.2 mm पर फीट क्या होता है, 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, mm पर रिवॉल्यूशन, ये हमने इस हिसाब से डाला है हमने इसमें। इसी तरह से हम Z-3.0 डाला, 1.5 mm का कट डाल रहे हैं ना, Z-3, Z-4.5 1.5 mm का डाल रहे हैं हम, 1-1 mm का भी डाल सकते हैं, 2-2 mm का भी डाल सकते हैं, वो तो आपका कंपोनेंट का क्लैंपिंग और टूल का स्ट्रेंथ, टूल का कटिंग स्पीड के हिसाब से स्ट्रेंथ वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हमने 1.5 mm का मैक्स डाला है, अभी 1.5 mm हमने डेप्थ अप कट डाला है, इसी हिसाब से हमारा जेड माइनस कितना जाएगा, 6.0, जेड माइनस हमें 10 mm तक करना है ना, 10 mm तक करना है, जेड माइनस 7.5, Z-9.0, Z-10.0, इसी हिसाब से हमारा ये चल गया, 10 mm तक काट गया, इसी हिसाब से G94 X, अब अगला डाया कितना बनाना है हमें, अगला डाया हमें 80 का बनाना है, तो हम X 80.0 जेड माइनस कितना डालेंगे, जेड माइनस डालेंगे हम 1.5 mm का डालेंगे तो 10 माइनस 10 प्लस 1.5 कितना 11.5, जेड माइनस 11.5 या 0.2, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से काटता हुआ जाएगा, जेड माइनस 13.0, Z-14.5, Z-16.0, इसी तरह से हम यहाँ डाल देते हैं Z-17.50, Z-17.5, Z-19.0, Z-20.0, ये हमारा 1.5 mm का डेप्थ ऑफ कट इस तरह से काटते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम G0, G28, U0.0, W0.0, M30,
हमने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ज़्यादा फेस करना रहता है और ज़्यादा डाया और कम डाया, तो फेसिंग ज़्यादा करना रहता है, तो हम ये फार्मूला के हिसाब से हम आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हमने अब दूसरा फार्मूला के हिसाब से, एक तो हमने ये फार्मूला के हिसाब से बनाया है, अभी इसी फार्मूला के हिसाब से हम दूसरे फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं। ZRF, अब इस फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे हम। इस फार्मूले के हिसाब से कब बनाएंगे? जब हमारा ड्राइंग थोड़ा चेंज होगा। इस फार्मूला के हिसाब से हमारा, ये तो हमारा रॉ मटेरियल आ गया, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। तो मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूँ सेम टू सेम ऐसा ही। इस तरह से हमारा ये डाया आ गया पहले के जैसा 120, और ये डाया हमारा आ गया एक डाया 80, ये डाया हो गया हमारा 40, ये डाया हो गया हमारा 40, ये 10 mm, यहाँ से यहाँ 10 mm है, यहाँ से हमारा ये भी 10 mm है, ठीक है। ये हमारा X 0.0, Z 0.0, ये क्या है, ऑफसेट लेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.0 ये आएगा, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या चेंज है, हमने यहाँ पे टेपर डाला है, ये टेपर का लेंथ हमारा 10 mm है। तो हमारा रॉ मटेरियल आता है हमारा इस तरह से, ये पूरा रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है ना, ये रॉ मटेरियल हो जाता है हमारा। तो हमारा ये ऐसा भी यहाँ भी रॉ मटेरियल है पूरा आएगा। तो हम बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, हमारा यहाँ ये टेपर ऐसे इस तरह से बनेगा। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला में क्या यूज करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा प्रोग्राम आसान है, थोड़ा समझने की देरी है आपको, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं हम प्रोग्राम नंबर। हमने G94 इन फेस टर्निंग साइकिल हमने दोबारा डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम फिर 1.5 का डेप्थ अप कट। चलिए इसमें हम 2 mm का डेप्थ अप कट डालते हैं, 2.0 इसमें डाल देंगे हम, 2.0 डेप्थ अप कट, 2 mm हर बार काटेगा। और फिर डालेंगे हम 0.2 mm पर रिवोल्यूशन। तो हम डालते प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें भी हमारा इस तरह से कटेगा जैसे हमने अभी बताया था उसी तरह से, G 0 G 28 U 0.0 W 0.0, ये रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। ये आ गया हमारा T 01 ऑफसेट नंबर 1, M 03, S 1500 जैसे हमने डाल दिया से पहले के जैसे ही, M 08 कूलेंट भी ऑन कर दिया, G 0 X सब कुछ पहले के जैसे चलेगा। थोड़ा सा है, ध्यान से देखिएगा, X 122.0 Z 0.0, ठीक है ना। X 122 क्यों डाला हमने, 120 तो हमारा डाया है और Z 0 में यहाँ खड़ा कराया, तो 2 mm हमने पीछे यहाँ पर ऊपर खड़ा किया है। G 94 X हम सबसे पहले क्या डाया बनाएंगे, 40 का डाया बनाएंगे, X 40.0 Z -2.0 F 0.2। अब Z -2.0 क्यों डाला हमने, मैंने बताया था ना आपको, डेप्थ अप कट 2 mm का डालेंगे, तो हमने यहाँ से Z 0 तो है 2 mm, यहाँ से ऐसे सटाक से कटेगा, फीट 0.2 के फीट से ऐसे कटेगा। इसी तरह से हमने Z -4.0 दूसरा लाइन, फिर दूसरा कट फटाक से आएगा इधर से, 4
जेड माइनस 6.0 इसी तरह 6 mm में हमारा आएगा दराज से 2 mm का कटेगा। इसी तरह से जेड माइनस 8.0 ये भी कटेगा यहाँ से, जेड माइनस 10.0 ये भी कटेगा हमारा 10 mm तक कट जाएगा पूरा। इसी तरह से हमारा G94X अगला डाया कहाँ तक, ये डाया हमने कितना दिया है 80, ये डाया 80.0, फिर से जेड माइनस कितना जाना है, जेड माइनस 12, 2 mm का डेप्थ तब का डाल है ना, जेड माइनस 12.0 F0.2 ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्योंकि ये डाया हमारा अभी हमने तो यहाँ से इतना तक तो काट दिया इतना, अब हमारा ये डाया इस तरह से इतना तक कटेगा, ऐसे इस तरह से कटेगा, टेपर हम बाद में बनाएंगे ठीक है ना। तो हमारा ये डाया हमारा यहाँ तक कटना है, तो जेड माइनस 14.0, जेड माइनस 12.0, जेड माइनस 18.0, जेड माइनस 20.0, ये हमारा 10+10 इतना तक कट गया, इतना तक तो हमारा ये डाया ऐसे कट गया। अब हमें टेपर भी काटना है, यहाँ पर ये टेपर भी काटना है, तो ये हमारा टेपर कटना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हमारा जेड माइनस 20 तक बनेगा। अब G94X तो मैं यहाँ तक आगे मिटा देता हूँ, इधर यहाँ तक मिटा देता हूँ, ये वाला यहाँ नहीं लिखता हूँ। G94X अगला कितना करना है हमें, यहाँ तक तो हमारे अब टेपर बनाना है, X हमारा डाया है 80 तक तो हमने काट दिया है, हम एक्स 82.0 एक्स 80 तक तो काटा ही हमने, एक्स 80 डाल देते हैं, चलो एक्स 80.0, जेड माइनस क्या जाएगा हमारा, जेड माइनस क्या जाएगा, जेड यही जाएगा जो हमें 10+10, जेड माइनस 20.0, अब आर, ये आर जाएगा क्या, आर हमें माइनस में जाएगा, आर क्या डालेंगे, यहाँ आर क्या डालना है हमें पता नहीं है, अब आर का वैल्यू निकालते हैं हम, आर इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, ये हमारा बड़ा डाया हो गया 80, बड़ा ये छोटा डाया हो गया हमारा 40 डिवाइडेड बाय टू, तो आप निकालिए कितना आता है, 40 डिवाइडेड बाय टू, टू टू जा 4, 20 mm आएगा। तो हम इसमें भी डेप्थ अप कट क्या डालेंगे, 2 mm डेप्थ अप कट डालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करना है आर माइनस 2.0 एफ 0.2 ठीक है ना, सिंपल सा है, डी आर हमने निकाला, डी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, बड़ा डाया माइनस छोटा डाया डिवाइडेड बाय टू, ये तो हमने इतना कर दिया, 20 आया, तो हमें अब सीधा सीधा लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है इसमें, R-4, R-6, R-8, R-10 इसी तरह से हमारा 20 का तो डायमीटर हो गया, इसमें इसे 2 डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 पास में हमें काट देंगे, 10 पास के 10 mm काटना है हमें, 10 mm तो 2 mm काटेंगे एक बार में, तो 10 mm में ये कट जाएगा ठीक है ना। इसी तरह से हमारा G28 U0.0 W0.0 M30 उम्मीद है आपको
बेहतर समझ में आ गया होगा।